सबसे बड़ी दिवाली मनाई। भगवान राम के आगमन पर अयोध्या में भव्य तैयारी। अयोध्या में इतिहास की सबसे बड़ी दिवाली मनाई जा रही है। भगवान राम के आगमन पर अयोध्या में भव्य तैयारी। अयोध्या में इतिहास की सबसे बड़ी दिवाली। भगवान राम के आगमन पर अयोध्या में भव्य तैयारी। अयोध्या में इतिहास की सबसे बड़ी दिवाली मनाई जा रही है। भगवान राम के आगमन पर अयोध्या में भव्य तैयारी। देखिए हमारे साथ खास रिपोर्ट कल दोपहर 2 बजे। नमस्कार, पिफो न्यूज में स्वागत है। मैं आपके साथ मिली गुप्ता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार भी देश के बड़ी दीपावली मनाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जैसा त्रेता युग में दीपावली मनाई गई थी, ठीक वैसे ही आज भी मनाया जाएगा। देखिए हमारा खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर इस बार योगी सरकार ने देश की सबसे बड़ी दिवाली मनाने जा रही है। अयोध्या के भव्य दीपावली 3 दिन तक चलेगी, जिसमें विंग्स ऑफ टाइम की तर्ज पर राम कथा के लेजर शो के साथ कई और कार्यक्रम भी होंगे। इसमें राम और सीता की झांकियां लगभग 100 राम और सीता बनकर निकाली जाएगी। भगवान राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या पुष्प विमान से आए थे, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर से आएंगे। उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसमें 2 लाख के दिए जलाने का ऑर्डर दिया गया है। बता दें कि पुष्प के विमान की जगह हेलीकॉप्टर के जरिए भगवान राम की सवारी उतरेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम को तिलक लगाएंगे और आरती उतारेंगे। दीपावली के पूर्व संध्या पर 12,000 लीटर तेल से अयोध्या में जगमग होंगे। इस मौके पर सरयू घाट पर भी करीब 2 लाख दिए भी जलाए जाएंगे। सरयू नदी पर राम की पैड़ी में दीप उत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या में तैयारी ऐसी ही है जैसे जमाने पहले भगवान राम के वनवास से लौटने के बाद यहां दीपावली मनाई गई थी। लेजर शो के अलावा रामलीला का मंच का कार्यक्रम भी है, जिसके लिए थाईलैंड और श्रीलंका से भी कलाकार यहां पहुंचे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के लिए कई योजनाएं भी शुरुआत करेंगे। माना जाता है कि त्रेता युग में 14 साल का वनवास काटकर और लंका विजय कर अयोध्या लौटे भगवान राम का जोरदार स्वागत किया गया था और राम की नगरी को दीपों से सजाया गया था। पीफो न्यूज की खास पेशकश। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।